Hello children, welcome to your maths video class. Children, in maths we have started chapter number 9, that is geometry. And I have started this chapter in the previous video and explained you 2D shapes. आपको इसमें मैं 2D shapes पढ़ा चुकी हूँ. एक बार revise कर लेते हैं. 2D shapes मतलब 2 dimensional shapes. क्या पढ़े हैं हमने? 2D shapes, जिसे हम plane shapes भी कहते हैं. इसमें हमने पढ़ा rectangle, है ना, फिर हमने पढ़ा स्क्वायर, फिर पढ़ा ट्रायंगल और पढ़ा सर्कल. ये हमने 2D शेप्स पढ़े. चिल्ड्रन, जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि 2D शेप्स बहुत और भी कई होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ ये 4 हैं, इसीलिए मैं आपको 4 ही एक्सप्लेन कर रही हूँ. अदरवाइज और भी कई 2D शेप्स होते हैं, पर हमारे क्लास 2 में आपको सिर्फ ये 4 2D शेप्स पढ़ना है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ. तो अब आज का जो टॉपिक है हमारा वो है 3D शेप्स. क्या है? 3D शेप्स. 3D मतलब 3 डायमेंशनल. 3D शेप्स का मतलब होता है 3 डायमेंशनल शेप्स. अब तक जो हमने 2D शेप्स देखे थे उसमें लेंथ और ब्रेड था, लेंथ था और ब्रेड था, है ना. इस तरह से हमने लेंथ और ब्रेड देखा था. अब जो हम देखेंगे उसमें क्या होगा, लेंथ भी होगा, ब्रेड भी होगा और हाइट भी होगा. लेंथ, ब्रेड और हाइट मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई. लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. तो ये हो गया आपका 3D, 1, 2 एंड 3. तो अगर हम इसको इस तरह से बना दें तो ये एक बॉक्स के जैसे हो जाएगा, है ना. तो ये हम पढ़ेंगे आज 3D शेप्स के बारे में. 3D शेप्स भी कई तरह के होते हैं, लेकिन आपको कुछ लिमिटेड ही पढ़ना है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट जो हमारा 3D शेप है वो है, पहले मैं ये इसमें बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या होता है. लेंथ होता है, ब्रेड्थ या विड्थ, विड्थ भी बोलते हैं और ब्रेड्थ भी बोलते हैं, और होता है हाइट. लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट. तो पहला जो शेप आपको पढ़ना है, मैं ड्रॉ कर देती हूँ पहले उसको. चलिए, ये जो शेप है इसको कहते हैं क्यूब. क्या बोलते हैं? क्यूब. ये क्यूब वर्ड आपके लिए नया नहीं है. आइस क्यूब आपने सुना है ना वर्ड आइस क्यूब. हम कोल्ड ड्रिंक में या जो भी ड्रिंक हमको ठंडा चाहिए होता है उसमें हम क्यूब्स डालते हैं. वो क्यूब ही वही है. क्यूब, क्यूब का शेप कैसा होता है? समथिंग लाइक दिस, है ना. अच्छा, तो अब इस क्यूब के बारे में हमें क्या पढ़ना क्या है. ये है 3D शेप. कैसे 3D है? इसमें लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और हाइट भी है. लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों चीज़ें हैं इसमें, इसलिए ये 3D शेप है. जो क्यूब होता है उसमें 8 कॉर्नर्स होते हैं. कितने कॉर्नर्स होते हैं क्यूब में? 8 कॉर्नर्स. देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. कितने कॉर्नर्स हुए? 8. जिस रूम में आप अभी बैठे होंगे, या जो हमारा जनरली जो हमारा रूम होता है, कोई कोई रूम क्यूब शेप में भी होता है. ज़रूरी नहीं कि सारे रूम क्यूब शेप में हो, दूसरे शेप के भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ रूम्स जो होते हैं वो क्यूब शेप में होते हैं. तो आप जैसे बॉक्स जैसा जिसको बोलते हैं, तो हम अगर अपने रूम के भी कॉर्नर्स को काउंट करेंगे तो आप अपने रूम के कॉर्नर को काउंट कीजिए. पहले नीचे के फ्लोर के काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, फिर ऊपर 5, 6, 7, 8. इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं आपके 8 कॉर्नर्स. तो ये हो गया, यहाँ मैंने आपको दिखा दिया इसमें 8 कॉर्नर्स हैं. अच्छा, अब क्या देखेंगे हम? एजेस देखेंगे. क्या देखेंगे? एज. ओके,
एज किसको बोलते हैं। अब मैं इसको इरेज कर दूं ताकि आपको मैं एज समझा सकूं। इस फिगर में मैंने आपको कॉर्नर समझाया, एक बार और मैं बना लेती हूं आपको एज समझाने के लिए। एज होता है किसी चीज़ की किनारी, जो बॉर्डर होता है ना, दैट इज़ कॉल्ड एज। पहले क्यूब बना लेते हैं। चलिए, एज मतलब होता है किसी चीज़ का बॉर्डर, किसी चीज़ का किनारा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है इसलिए मैं थोड़ा दूसरी तरफ बनाती हूँ, थोड़ा साइड में बना लेते हैं। आई विल मेक इट हियर। चलिए, ये हमारा क्यूब है। जैसा मैं आपको बता रही थी कि एज, एज किसको बोलते हैं, जो होता है वो बॉर्डर बोल सकते हैं, उसको आप किनारा बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये, अब ये है ना, तो 1 2 3 4, फोर ये हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने एजेस हुए, 12 एजेस हुए। कितने एज हो गए, 12। फिर से देख लीजिए, 1 ये 2, ये 3, ये 4, 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 12 इसके एजेस हो गए। क्यूब में कितने एज हो गए, 12 एज हुए क्यूब के। देन व्हाट, अब हम देखेंगे फेस, कितने फेस होते हैं। अगेन आई विल ड्रॉ फॉर यू, ये हमारा क्यूब है। चलिए अब इसके फेस देखते हैं। ये ऊपर एक हुआ 1, नीचे हुआ 2, साइड में हुआ 3, इधर हुआ 4, पीछे हुआ 5, और ये जो फ्रंट होता है वो हुआ 6। टोटल 6 फेसेस हुए इसके, एक बॉक्स जैसा जो होता है उसके 6 फेसेस होते हैं, क्यूब के 6 फेसेस। फिर से आप अगर आप ऐसे देखना चाहें तो, क्योंकि ये बोर्ड पर मैं ड्रॉ कर रही हूँ, मे बी आपको उतना क्लियर नहीं। ऊपर ये हो गया और ये नीचे वाला है 2 हो गया। ठीक है, ये साइड का हुआ 3, ये साइड का हुआ 4, ये पीछे का हुआ 5, और ये सामने का हुआ 6। मतलब इसमें 6 फेसेस, ठीक है, 6 फेसेस होते हैं क्यूब के, 6 फेसेस होते हैं। कितने फेसेस होते हैं, 6। अच्छा, क्यूब के जितने भी फेसेस होते हैं, सारे फेसेस जो होते हैं वो स्क्वायर होते हैं, उनका शेप कैसा होता है, स्क्वायर। क्यूब के सारे फेसेस जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं, स्क्वायर होते हैं। जो भी 6 फेस हैं वो सारे के सारे 6 फेस स्क्वायर शेप में होंगे। तो अब हम क्यूब के बारे में अगर हमें लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, पहले तो आप क्यूब बनाना सीख लो, बहुत ईजी होता है क्यूब बनाना। बस आपको क्या करना है, एक स्क्वायर बनाना है पहले, उसके अंदर ऐसे साइड में एक और स्क्वायर बना लीजिए और सारे कॉर पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे, तो हमारा क्यूब बन गया। नाउ दिस इज़ अ क्यूब, दिस इज़ अ क्यूब, इट हैज़ व्हाट, 8 कॉर्नर्स, 12 एजेस, 6 फेसेस। ठीक है, ये इसके बारे में हमने लिखा, और क्या लिखेंगे, ऑल, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ऑल फेसेस ऑफ अ क्यूब आर स्क्वायर, ऑल फेसेस ऑफ अ क्यूब आर स्क्वायर। क्यूब के 8 कॉर्नर्स, 12 एजेस और 6 फेसेस होते हैं, और सारे फेस जो होते हैं वो स्क्वायर होते हैं। दिस इज़ यू हैव टू नोट डाउन अबाउट क्यूब, आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम, इसी से मिलता जुलता एक और शेप देखेंगे, इसी से रिजेंबल करता हुआ एक और शेप देखेंगे। वो क्या है, उस शेप का नाम है क्यूबॉइड। क्या नाम है, क्यूबॉइड, CUBOID, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कैसा होता है, ये थोड़ा सा
जैसे हम रेक्टेंगल बनाते थे, इट इज़ लाइक रेक्टेंगल, हम दो ऐसे रेक्टेंगल बना के उसके पॉइंट्स को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा हमारा क्यूबॉइड। नाउ दिस इज़ अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या होता है, ये भी स्क्वायर जैसा ही होता है, काफ़ी चीज़ें इसकी स्क्वायर जैसी ही होती हैं, जैसे कि इसमें भी 8 कॉर्नर्स हैं, 4 ये हो गए, 5, 6, 7, 8। अच्छा, जितने जो रूम्स होते हैं, मैक्सिमम जो रूम होते हैं, कमरे होते हैं, वो क्यूबॉइड शेप के होते हैं। लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है, लंबाई ज़्यादा होगी, चौड़ाई थोड़ी कम होगी, या चौड़ाई ज़्यादा होगी, लंबाई ज़्यादा होगी, जो भी है, मैक्सिमम जो रूम का जो शेप होता है वो क्यूबॉइड होता है। मे बी अभी आप जिस समय जिस रूम में बैठ के ये वीडियो देख रहे होंगे, मे बी वो रूम भी क्यूबॉइड शेप का ही होगा, क्यूबॉइड शेप में ही होगा। जो क्यूबॉइड जो शू के बॉक्स होते हैं, जूते के जो डब्बे होते हैं, वो क्यूबॉइड शेप के होते हैं। जो कार्टन्स इसमें सामान आता है, जो अगर ऑनलाइन सामान मंगाते हैं तो जिन बॉक्सेस में आता है, वो क्यूबॉइड होता है। मैक्सिमम जो बॉक्स होते हैं वो आपको क्यूबॉइड शेप में मिलेंगे। जैसे घर का जो टीवी है वो क्यूबॉइड है, फ्रिज है वो क्यूबॉइड है, मोबाइल आपका क्यूबॉइड है, लैपटॉप जो है वो क्यूबॉइड है, और जो आपका ट्रंक है वो क्यूबॉइड है, बेड है वो क्यूबॉइड है। बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में जो है वो क्यूबॉइड शेप में होती हैं। मैंने कुछ एक एग्जांपल, जिस बॉक्स में टीवी आया वो बॉक्स, वो डब्बा भी क्यूबॉइड शेप का होता है। ठीक है, तो हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो इस शेप में मिलेंगी, आपको क्यूबॉइड शेप में मिलेंगी। आप ऑब्जर्व करेंगे, अगर अपने सराउंडिंग को देखेंगे तो वहाँ बहुत सारे ऐसे आपको चीज़ें मिलेंगी जो क्यूबॉइड शेप में होंगे। क्यूबॉइड में भी 8 कॉर्नर्स होते हैं, इसमें भी 12 एज होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसमें भी एजेस कितने हैं, 12 एजेस हैं। अब फेस की बात करें तो इसमें भी 6 फेस ही होते हैं। ये ऊपर का फेस हो गया, ये नीचे हो गया 2, ये साइड में हुआ 3, ये हुआ 4, ये पीछे का हुआ और ये सामने का हुआ। ठीक है, टोटल 6 फेसेस होते हैं। तो फिर आप सोचोगे, अरे जब इसमें भी 8 कॉर्नर्स हैं, स्क्वायर में भी 8 कॉर्नर्स हैं, इसमें भी 12 एजेस हैं, क्यूब में भी 12 एजेस हैं, मतलब क्यूब और क्यूबॉइड में क्या है। अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा ना क्यूब के बारे में, कि क्यूब में 8 कॉर्नर्स हैं, तो क्यूब में भी 8 कॉर्नर्स हैं, इसमें भी 8 कॉर्नर्स हैं, इसमें 12 एजेस हैं, इसमें भी 12 एजेस हैं, इसमें 6 फेसेस हैं, इसमें भी 6 फेसेस हैं। तो फिर फर्क कहाँ पर है, डिफरेंस कहाँ पर है, डिफरेंस है फेस में। जो क्यूब का फेस होता है वो सारे फेस स्क्वायर होते हैं, लेकिन क्यूबॉइड में सारे फेस स्क्वायर नहीं होते हैं। क्यूबॉइड में ऐसा हो सकता है कि या तो सारे फेसेस रेक्टेंगल हो, सारे फेसेस या तो रेक्टेंगल होंगे, या फिर 4 फेस रेक्टेंगल होंगे और 2 फेस स्क्वायर होंगे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्यूबॉइड का क्या फर्क है, क्यूबॉइड में ऑल फेसेस कैन बी रेक्टेंगल, इन अ क्यूबॉइड ऑल फेसेस मे बी रेक्टेंगल और 4 फेसेस मे बी रेक्टेंगल एंड 2 फेसेस स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसमें स्क्रीन में पूरा नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर दूं। आई होप ये अब क्लियर है, आपको दिख रहा होगा, 4 फेसेस रेक्टेंगल एंड 2 फेसेस कैन बी स्क्वायर। जो क्यूबॉइड होता है उसके जो सामने वाला, ये दोनों रेक्टेंगल शेप में हो सकता है, 1, 2
और मतलब पीछे वाला और सामने वाला, ऊपर वाला और नीचे वाला, ये रेक्टेंगल हो सकता है और जो साइड में होते हैं वो स्क्वायर हो सकते हैं। तो फोर फेसेस उसमें रेक्टेंगल और टू फेसेस स्क्वायर होते हैं तो वो क्यूबॉइड हो जाता है, या फिर सारे के सारे फेसेस भी रेक्टेंगल हो सकते हैं। तो इस तरह से क्यूब और क्यूबॉइड में फ़र्क है, यही फ़र्क है क्यूब और क्यूबॉइड में उसके फेसेस को लेकर। क्यूब के सारे फेस स्क्वायर होंगे, क्यूबॉइड के सारे फेसेस रेक्टेंगल हो सकते हैं, या कोई, या तो फिर फोर फेस रेक्टेंगल होंगे और टू फेस स्क्वायर होंगे, ये फ़र्क है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम होती हैं क्यूबॉइड के। क्यूबॉइड में भी कॉर्नर्स 8 हैं, एजेस 12 हैं, फेसेस 6 हैं, बस फेसेस का जो शेप है उसमें ही डिफरेंस है। तो आज हमने पढ़ा क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोन के बारे में और स्फेयर के बारे में, पर वो हम आज नहीं पढ़ेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।